वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के देहरादून स्थित एक बहुत ही खूबसूरत स्थान खलंगा वॉर मेमोरियल के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खलंगा के इतिहास, महत्व, इसकी लोकेशन व इसके आसपास के अन्य महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थानों के बारे में अवगत कराऊंगी। तो चलिए सबसे पहले इसके इतिहास पर थोड़ी रोशनी डालती हूँ। सन 1814 में खलंगा के किले पर 10,000 के करीब अंग्रेज सैनिकों ने हमला कर दिया। किले के अंदर केवल 600 गोरखा सैनिक थे। इसके बावजूद गोरखा सैनिकों ने अंग्रेज सैनिकों को नाको चने चपाने पर मजबूर कर दिया। अपने किले को बचाने के लिए गोरखा सैनिकों, जिनके पास हथियार के नाम पर केवल खुखरी, भाले व त्रिशूल थे, उन्होंने बंदूकों और तोप से लैस कम से कम 1,000 से अधिक अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि गोरखा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे बलभद्र सिंह जी इस युद्ध में शहीद हो गए थे, परंतु उन्होंने अंग्रेज फौज के कमांडर को भी जीवित नहीं छोड़ा। युद्ध में बेशक गोरखा सैनिकों को हार का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अंतिम समय तक जंग के मैदान में अपने साहस और शौर्य का परिचय दिया। गोरखा सैनिकों की इसी बहादुरी को सम्मान देने के लिए अंग्रेजों ने सन 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की और इसी समय पर अंग्रेजों ने देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर खलंगा शहीदों की याद में एक स्मारक बनवाया। भारत के साथ ही इंग्लैंड में भी गोरखा रेजिमेंट का होना गोरखा सैनिकों के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताता है। खलंगा युद्ध स्मारक देहरादून के नालापानी नामक स्थान पर स्थित है तथा देहरादून के मुख्य बस अड्डे ISBT से इस स्थान की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। सहस्त्रधारा रोड से स्मारक के लिए एक अलग से रास्ता जाता है। देहरादून मुख्य शहर से स्मारक की दूरी केवल 5 किलोमीटर है और देहरादून रेलवे स्टेशन से यह स्मारक 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि देहरादून के एकमात्र एयरपोर्ट जॉली ग्रैंड से वॉर मेमोरियल 27 किलोमीटर दूर है। खलंगा स्मारक तक जाने वाला रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। सहस्त्रधारा रोड स्थित नालापानी चौक से आप प्राइवेट ऑटो या टैक्सी लेकर भी 15 से 20 मिनट में खलंगा पहुंच सकते हैं। स्मारक तक का रास्ता बहुत ही हरा भरा है। दोनों ओर साल के वृक्ष और बीच में घुमावदार पहाड़ी रास्ते का दृश्य मन को मोह लेता है। यदि आपको प्रकृति से प्रेम है तो रास्ते में रुककर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद अवश्य उठाएं। फोटोग्राफी के लिए तो यह स्थान स्वर्ग के समान है। देहरादून घूमने आने वाले अधिकतर सैलानियों को इस स्मारक के बारे में ज्यादा नहीं पता, अतः अभी तक तो यह स्थान शहरी शोर शराबे से कोसों दूर है। यहाँ इतनी अधिक शांति है, मानो लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। स्मारक तक जाने वाले रास्ते के बीचों बीच एक साफ पानी का प्राकृतिक स्रोत भी पड़ता है, जहां पीने का पानी भरने आने वाले लोकल निवासी आपको आसानी से दिख जाएंगे। यह पानी बहुत से प्राकृतिक गुणों से भरपूर है और वहां के लोकल निवासियों में ऐसा माना जाता है कि यह पानी कई प्रकार के रोगों को ठीक करता है। बीच रास्ते में ही तिब्बतियों की बहुत ही सुंदर कॉलोनी भी पड़ती है। वहीं पास में ही प्राइवेट अपार्टमेंट बने हुए हैं। यदि आप कुछ दिन प्रकृति के सानिध्य में बिताना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन के हिसाब से यहां अपने लिए अपार्टमेंट भी किराए पर लेकर रह सकते हैं, जहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। खलंगा के पास ही भगवान बुद्ध का भी एक मंदिर है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यदि आपके पास पर्याप्त समय हो तो वहां भी अवश्य जाएं।
स्मारक का मुख्य द्वार बहुत ही भव्य है, जो दूर से ही दिखाई दे जाता है। युद्ध में गोरखा सैनिकों द्वारा प्रयोग किए गए साधारण से हथियार जैसे खुखरी, भाले और त्रिशूल आज भी स्मारक में देखे जा सकते हैं, जो चीख चीख कर गोरखा सैनिकों की वीरता की गाथा बताते हैं। एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित स्तूप गोरखा सैनिकों के गौरवशाली अतीत पर प्रकाश डालता है। स्मारक के अंदर ही मौजूद एक शिला पर लिखी खलंगा युद्ध की ऐतिहासिक कथा पढ़ने पर एक अलग ही रोमांच का अनुभव होता है। स्मारक चूंकि ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए दून घाटी के बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। अगली बार जब भी आप देहरादून घूमने जाएं, तो खलंगा स्मारक देखना ना भूलें। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।